क्या कर रहे थे 7.2 में क्या कर दिया था अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कर रहे थे घनमूल कर रहे थे ना, उसमें अपनों ने 5 क्वेश्चन कल तक कर लिए थे, आज करेंगे 6 क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता है क्या करना होता है, अपने को टुकड़े करनी है, करेंगे कितना है 13,824। संख्या कौन सी है आपकी, सम है, सम संख्या एक में दो से क्या जाएगा भाग हो जाएगा, तो करेंगे कितना आएगा 2 6 12 2 9 18 2 1 2 2 2 4 नहीं आता तो साइड में अपने भाग करके देख लेंगे 13,824 2 6 12 2 9 18 2 उतारा ऊपर से 2 1 2 फिर 4 2 2 4 कितना आ रहा है 6,912। ये अपने लिख देंगे, फिर करेंगे 6,912 हमें किसका भाग देंगे 2 का भाग देंगे, देंगे देखो क्या आएगा 2 3 6 फिर 2 4 8 2 5 10 2 6 12 और किससे भाग देंगे क्या आ गई फिर आपके पास सम संख्या आ गई, फिर किससे भाग देंगे 2 1 2 2 7 14 2 2 4 2 8 16 कितना आ गया 1728 या 1728। अब किससे भाग देंगे आप सम संख्या, सम संख्या का मतलब फिर 2 से भाग देंगे 2 8 16 2 6 12 2 4 8 फिर 2 से जा रहा है 2 4 8 2 3 6 2 2 4 फिर सम संख्या है फिर किससे जाएगा 2 से जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 6 12 फिर किससे जाएगा फिर 2 से 2 1 2 2 8 16 फिर 2 5 10 2 4 8 इसी को आगे कर रही हूँ, ये 54 से आगे करनी है क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, मैं इसलिए करूँगी आप पूरा नंबर करोगे किससे जाएगा 2 से जाएगा यहाँ पे 54 2 से फिर जाएगा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा 27 गुना कितना होता है 54 होता है, अब देखो कितना है 27 है तो किससे जाएगा 7 आ गया, कहने का मतलब विषम संख्या है, विषम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, फिर अपने देखेंगे इसको ऐड करें 7 और 2 कितने हो गए 9 9 हो गए यानी 3 के फाड़े में चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा 3 ही में 27 3 दिया 9 एंड 3 एक 3 इसके अभाज्य गुणनखंड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार तो क्या आ गया आपके 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तीन बार क्या आ गया आपके 3 आ गए 1 2 3 अपने को निकालना क्या है घनमूल निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं तो क्या करोगे बनाओगे 3 के 1 2 ये हो गया 1 ये हो गया 1 ये रह गया क्या 3 कर दो मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 8 3 24 कहने का मतलब क्या है आंसर आपका 24 आ गया। अगर आपसे पूछे कोई 24 की क्यूब यानी 24 का घनमूल कितना होता है 13,824 या 13,824 किसका घनमूल होता है 24 का होता है। इसी पर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपको दिया है फिर 2 6 12 फिर 9 2 4 8 फिर 2 8 16 कितना हो गया 27,000
648 कितना हो जाएगा 27648। फिर इसी में क्या करेंगे अपने, और फिर क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है। सम संख्या आ रही है का मतलब क्या हो गया, दो से भाग जाएगा तो करेंगे, करो इसको 27648 में दो का जैसे ही भाग करेंगे कितना आएगा, दो एकम दो, फिर ऊपर से तरह सात, कितने पे जाएगा तीन पे, दो दिया छह, फिर सात ने छह गया एक, ऊपर से तरह छह किस पे जाएगा, दो अठे सोलह, ऊपर से चार किस पे जाएगा, दो दूनी चार, रह क्या गया आठ, कितने पे जाएगा, दो चौके आठ, यानी 13,824 किससे भाग दिया उन्होंने, दो से दिया तो कितना आ गया 13,824, और फिर 13,824 आ गया। अब किस पे जाएगा, फिर दो पे जाएगा, करें कैसे करेंगे, दो छे 12, दो नी में 18, दो एकम दो, दो दूनी चार। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो भी किया था इससे किया था 13,824 का, तो हो जाएगा इजीली, तो कितने हो जाएगा, दो दिए छह, दो चौके आठ, दो पंच दस, दो छके 12। अब किस पे जाएगा, दो पे भी जाएगा, दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो दो चार, दो अठे 16 किया था ना, आगे वही सेम बनती जाएगी, किस पे दो अठे 16, दो छके 12, दो चौके आठ, फिर दो चौके आठ, दो दिए छह, दो दो चार, फिर किस पे जाएगा, फिर दो पे, दो दुनी चार, दो एकम दो, दो छिके 12, फिर दो एकम दो, दो एकम दो, एक उतारा पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा तो अपने क्या करेंगे, जीरो उतारे क्या लेंगे, छह लेंगे, दो लगाते 16, यानी कितना आ गया। अब यहाँ से 108 से करे किस पे जाएगा, दो पे जाएगा ना, क्योंकि सम संख्या है, सम संख्या दो पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, दो पे 10, दो चौके 8। अब किस पे जाएगा, 27 सॉरी 54 है, 54 में भाग देंगे दो का कितना आ जाएगा 27, फिर तीन से, फिर तीन से, फिर तीन से अपने करेंगे, जैसे किया तो क्या करेंगे, अभाज्यगुणनखंड की ये मैं सीधा ही लिख रही हूँ, क्यूब कैसे बनेगी। अब देखो इसका एक दो उधर जाएगा, इसका एक दो एंड इसका एक दो, ठीक है, एक दो तीन, इनका मिला के क्या आ जाएगा, एक दो इसका आ जाएगा और एक तीन इसका आ जाएगा, करेंगे मल्टीप्लाई, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी 16, 16 दिया 48, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 48, यानी 48 की क्यूब कितनी होगी, 1,10,592, 1,10,592 किसकी क्यूब होती है, 48 की होती है। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर आपका क्वेश्चन है 46,656, क्या करोगे इसका, वही सेम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, करो अभाज्य गुणनखंड, आपका क्या है सम संख्या है, सम संख्या कहने का मतलब सम संख्या तो दो से भाग जाएगा, तो कर दो, दो दुनी चार, दो तीय छह, दो तीय छह, दो दुनी चार और दो अठे 16, और फिर क्या आ रहा है सम संख्या आ रही है, यानी दो से जाएगा, दो एकम दो, दो एकम दो क्या रह गया 13, दो छके 12, फिर रह गया 12, एक रह गया, फिर दो छके 12, दो चौके 8, ठीक है, फिर दो पे जाएगा, दो पंच 10, दो अठे 16, दो तीय छह, दो दुनी चार, अब किस पे जाएगा कितना है, ये दो है, यानी सम संख्या है, सम संख्या का मतलब दो से जाएगा, दो दूनी चार, पांच में चार गया एक, ऊपर से आठ कितना बन गया 18, दो नी में 18, ये पूरा पूरा भाग चला गया, बच्चा गया तीन, कितने पे जाएगा, दो एकम दो, जैसे दो एकम दो उतरा, तीन में से दो गया एक, दो छिके 12, जितनी हो सके दिमाग में कैलकुलेशन किया करो। अब कितना आ गया, फिर छह आ गया, यानी सम संख्या बन गया, फिर से दो पे जाएगा कितना, दो एकम दो, दो से दो खत्म हो गया, ऊपर से कितना होता है नौ, तो नौ किस पे आएगा, नौ आता है दो के पहले पे नहीं आता, कितने पे जाएगा, दो चौके, दो चौके, चौके जितने पे जाएगा वो यहाँ पे कितना आ गया आठ, दिमाग में स्पोज करते रहा करो कि अपने यहाँ पे कर लिया आठ, नौ में से आठ गया एक, ऊपर से एक उठता रहा, एक और एक कितना बन गया 11, 11 है दो के पहले में 11 नहीं आता, तो किस पे जाएगा, दो पंजे 10, जैसे 10 आया यहाँ पे 11 था, 11 में 10 गया, एक बच गया, एक और ऊपर से उतारे 6, कितना बन गया 16, कितने में जाएगा, दो अठे 16 पे, ठीक है, फिर ये आ गई अपनी सम संख्या, फिर से आ गई, दो पे जाएगा कितने 14, तो दो के बड़े में आता है, दो सत्ते 14, ये खत्म हो गया, ऊपर से उतारा 5, कितने पे जाएगा, दो दूनी 4, दो दूनी 4, 5 में 4 गया, कितना बच गया 1, ऊपर से उतारा 8, कितने में जाएगा, दो नी में 18, कितना आ गया मेरे पास 729, करके देखो विषम संख्या आ गई, इसका ना दो से भाग तो नहीं जाएगा,
ये तो क्लियर होगी, पर लेकिन क्या दस क्या तीन का टेबल आता रूल क्या था, इनको जोड़ेंगे अगर सब संख्या ये सॉरी तीन के बारे से भाग जाता है तो चला जाएगा, जोड़े सात और तीन सात और दो नौ 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 अठारह, अठारह का अगर भाग तीन में दे तो चला जाएगा ना, बिल्कुल चला जाएगा। इसी प्रकार करें इसमें किससे जाएगा, तीन से तीन दुनी छह, तीन चौके बारह, तीन तीन नौ, और फिर किस पे जाएगा तीन पे, क्योंकि तीन और चार और तो छह, छह और तीन कितने हो गए नौ, नौ में तीन का भाग दूं तो चला जाएगा ना तीन तीन नौ, इसी प्रकार इसमें भी चला जाएगा कितने पे, तीन अठे चौबीस, तीन एक तीन, अब आगे इक्यासी करेंगे, तीन दूनी छह, तीन सते इक्कीस, फिर तीन का तीन तीन सत्ताईस, फिर तीन तीन नौ एंड फिर तीन एक तीन। अब करेंगे इसके वही अब आज गुणनफल लिखेंगे, लिखो जैसे किया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी अब आज गुणनफल क्या किसके, चालीस हजार छह सौ छप्पन था अपने पास, इसका एक टुकड़ा बन गया, क्या बन गया दो, इसका फिर एक बना दो, इसका क्या बन गया एक दो तीन, इसका एक तीन एक इसका तीन, यानी तीन इंटू तीन, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तीन दिया नौ, नौ दुनी अठारह, अठारह दुनी छत्तीस, यानी अगर कोई आपसे पूछे छत्तीस से क्यूब कितनी होती है तो कितनी होती है छियालीस हजार छह सौ छप्पन, कितनी होती है छियालीस हजार छह सौ छप्पन, किसकी क्यूब होती है आपके तीन के क्यूब होती है, या पूछ ले छत्तीस से क्यूब कितनी होती है छियालीस हजार छह सौ छप्पन, या छियालीस हजार छह सौ छप्पन किसकी क्यूब होती है तो क्या जाएगा छत्तीस की क्यूब होती है। इसी प्रकार अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो क्या आ गया आपके सामने, क्वेश्चन है आपका इक्यानवे हजार एक सौ पच्चीस, ठीक है, तो अब इसका अपने क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कैसे करेंगे इक्यानवे हजार एक सौ पच्चीस लास्ट में क्या आपका आ गया पांच आ गया ना, यानी इकाई का अंक कितना आपके पास पांच है, तो क्या करेंगे दो से जाएगा नहीं जाएगा, जोड़े पांच और दो सात, आठ और एक नौ, नौ और नौ अठारह, कहने का मतलब अठारह, अठारह में तीन का भाग दें तो चला जाएगा, यानी तीन से जाएगा, करके देखेंगे साइड में तीन तीन नौ एक उतारा ऊपर से, ज्यादा भाग नहीं जा रहा, जैसे जीरो उतारा तो क्या जाएगा एक उतारा किस पे जाएगा तीन तीन नौ, ग्यारह में से नौ गया दो, फिर दो बाईस किस पे जाएगा तीन सात इक्कीस, किस पे जाएगा तीन सात इक्कीस, दो में से एक पांच किस पे जाएगा तीन पंजे पंद्रह, यानी तीस हजार तीन सौ पचहत्तर, तीस हजार तीन सौ पचहत्तर, भाग चेक कर लेना भाई गलती हो जाती है, ठीक है ना, आप लोग जब करो भाग चेक कर लेना बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, और फिर किस पे जाएगा पांच और सात बारह, बारह और छह कितना होता है अठारह, यानी तीन के बारे से भी जाएगा तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन पंजे पंद्रह, फिर जोड़े पांच छह सात आठ और एक नौ, कहने का मतलब फिर तीन से तीन तीन नौ, फिर तीन तीन नौ, तीन सात इक्कीस, तीन पंजे पंद्रह, अब देखो तैतीस पिछहत्तर किसका होता है पंद्रह का होता है, करो भैया मैंने तीन से जाएगा तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन पंजे पंद्रह, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, सात में छह गया एक और पंद्रह, तीन पंजे पंद्रह, ठीक है, फिर पांच छह सात आठ और एक नौ, फिर बीस से जाएगा तीन से तीन तीन नौ, फिर तीन सात इक्कीस, तीन पंजे पंद्रह, अब किससे जाएगा तीन से तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन पंजे पंद्रह, अब पांच छह सात और एक आठ कितना बन रहा है आठ, यानी फिर अब किससे जाएगा पांच से जाएगा, पांच दूनी दस, फिर पांच पांच पच्चीस, अब किससे जाएगा पांच पांच पच्चीस, पांच एकम पांच, देखिए तो क्या बन गया इसका जोड़ा और इसका, यानी तीन इंटू तीन इंटू पांच, अगर अपने इसके क्यूब निकाले तो क्या बन जाएगी इक्यानवे हजार एक सौ पच्चीस की तीन इंटू पांच, करो तीन तीन नौ, नौ पंजे पैंतालीस, अगर आपसे पूछे पैंतालीस की क्यूब कितनी होती है तो इक्यानवे हजार एक सौ पच्चीस, इक्यानवे हजार एक सौ पच्चीस, ये आपके सात पॉइंट दो का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगली वीडियो में अपने करेंगे तीसरा क्वेश्चन, बस आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सत्य असत्य के हैं, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा आपका वो वाला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है आपका इक्यानवे हजार एक सौ पच्चीस, ठीक है, तो अब इसका अपने क्या करेंगे
25, लास्ट में क्या क्या आ गया, 5 आ गया ना, यानी इकाई का अंक कितना है आपके पास, 5 है। तो क्या करेंगे, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, जोड़े 5 और 2 7, 8 और 1 9, 9 और 9 18, कहने का मतलब 18, 18 में 3 का भाग दें तो चला जाएगा, यानी 3 से जाएगा। करके देखेंगे साइड में, 3 3 9, एक उतारा ऊपर से, ज्यादा भाग नहीं जा रहा, जैसे जीरो उतारा तो क्या जाएगा, एक उतारा किस पे जाएगा, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, फिर 2 22 किस पे जाएगा, 3 7 21 किस पे जाएगा, 3 7 21 2 में से 1 है 1 5 किस पे जाएगा, 3 5 15, यानी 30375, 30375 भाग चेक कर लेना भाई, गलती हो जाती है, ठीक है ना, आप लोग जब करो भाग चेक कर लेना, बहुत बार मिस्टेक हो जाएगी। और फिर किस पे जाएगा, 5 और 7 12, 12 और 6 कितना होता है 18, यानी 3 के 12 से भी जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर जोड़े 5 6 7 8 और 1 9, यानी का मतलब फिर 3 से, 3 3 9, फिर 3 3 9, 3 7 21, 3 पंजे 15, अब देखो 33 75 किसका होता है, 15 का होता है, करो फिर ये वाला, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1 और 15, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 5 6 7 8 और 1 9, फिर 20 से जाएगा, 3 से, 3 3 9, फिर 3 7 21, 3 पंजे 15, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 5 6 7 और 1 8 कितना बन रहा है, 8, यानी फिर अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 5 5 25, अब किससे जाएगा, 5 5 25, 5 एकम 5, देखिए तो क्या बन गया, इसका जोड़ा और इसका, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, अगर अपने इसकी क्यूब निकाले तो क्या बन जाएगी, 91125 की 3 इंटू 3 इंटू 5 करो, 3 3 9, 9 पंजे 45, अगर आपसे पूछे 45 की क्यूब कितनी होती है, तो 91125, 91125, ये आपके 7.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगली वीडियो में अपने करेंगे तीसरा क्वेश्चन, बस आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सत्य असत्य के हैं, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा आपका, वो वाला कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके।